ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ରହିଛି କରୋନା ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣକୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 6ଟି ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ 612 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। 612 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା। जो माने प्रथम दिन टीकाकरण होते जानुरी 16 2021 से आज द्वितीय डोज दि जाऊँगी। पखापाखी 1700 लोकंर आज टीकाकरण योजना अच्छी ओडिशारे आम शतकड़ा 80 उपरे आम टार्गेट अचीव कर स्वास्थ्यकर्मी भितर जो 3.5 लक्ष स्वास्थ्यकर्मी टार्गेट रखा जाता ताभितर पखापाखी 2.5 लक्ष उपरे स्वास्थ्यकर्मी ने वर्तमान सरकार स्थिर कर जो टीकाकरण को आ 10 दिन बढ़े दवापाई फेब्रुआरी 25 जाए दवापाई से आम आशा करूँ शतकड़ा 100 टीकाकरण आम संपूर्ण करा। कोविड वॉरियर जो माने कि पुलिस सानिटरी वर्कर आगधाड़ी योद्धा से माने टीका नवा 6 तारिख रु आरंभ कले और जदि सबू समुदाय नंबर देखिए टीका नवा व्यक्ति वर्तमान ओडिशा रे 4 लक्ष उपरे हो गले तो आम आशा करूँ आसंता दिन स्वास्थ्यकर्मी मानकर शतकड़ा 100 टार्गेट हासिल करने जो आगधाड़ी योद्धा एम टीकाकरण सारी मार्च 1 सुधा आम सीनियर सिटीजन 50 वर्षर ऊर्ध लोक टीकाकरण आरंभ कर पारिबा। तबे वर्तमान सीआरपीएफ जवान मानंको मध्ये टीकाकरण करा जाउछि। ए संपर्क रे सीधासळक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि रोशन रथ जोड़ी होती। रोशन वर्तमान रो चित्र कौन आसुछि? देखु चिन्मयी आम बर्तमान अच्छु भुवनेश्वर जो सीआरपीएफ क्यांप अफिस् अच्छी आम से अच्छु और आज सीआरपीएफ जवान मैंने प्रथम पर्याय टीका नौ। सीआरपीएफ जानते बेसिकली जितेबाला कोरोना महामारी चलता और लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन रे सीआरपीएफ गोटे बड़ रोल निभेला। स्थित में बहुत सीआरपीएफ जवान कोरोन आक्रांत होते आज जितेबाला फ्रंटलाइन वर्कर मान कोरोना वैक्सीन दिया चलती एभली स्थित में सीआरपीएफ जवान मैंने वैक्सीन नहीं सीआरपीएफ आईजी और डीआईजी समेत बहुत सीआरपीएफ जवान अच्छा जो मैंने आज वैक्सीन नहीं सूचना दिया जाता जे प्रथम पर्यायर आज पखापाखी 200 सीआरपीएफ जवान वैक्सीन नहीं समस्त कोवैक्सीन दि जा आज प्रथम दिन में 200 सीआरपीएफ जवान पखापाखी वैक्सीन ने सीआरपीएफ जवान को मानक पर्यायक्रमे वैक्सीन दिजो जहाँ सूचना दे कि समय पूर्व सीआरपीएफ आईजी जे वर्तमान पर्यंत सेमती किसी क्या पाखे कौन पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाए ना एवं निश्चित भाव में जेहेतु सीआरपीएफ जवान मैंने गोटे लॉकडाउन समय रे हो एवं जो समय रे कोरोना महामारी सारा देश रे निश्चित भाव में बहु लोक जीवन नहीं था एभली स्थित जवान मानकर गोटे फ्रंटलाइन वर्कर हिसाब से गोटे निश्चित भाव में बड़ रोल थी तेणु एभली स्थित निश्चित भाव में प्रथम पर्यायर पूर्वर जो मैंने सीआरपीएफ डॉक्टर मैंने अच्छा से मैंने वैक्सीन नहीं सारी वर्तमान अन्य जो जवान माने तांकु वैक्सीन दिया जाउची। आम सहित डॉक्टर अच्छा तांकु प्रतिक्रिया नवा मैडम आज वैक्सीन दिया जाउची जवान मानंकु केमती कोन प्रोसेस रहिची केते जवान आज फास्ट ईयर पाखा पाखा वैक्सीन। हाँ नमस्कार मु डॉक्टर जूली महांती सीएमओ सिलेक्शन ग्रेड 80 नोडल ऑफिसर जो आमर कोविड वैक्सीन सेंटर अच्छी। आज आम 200 लोगों को वैक्सीन दौचु और टोटल आम 800 लोक रजिस्टर्ड अच्छा तो प्रतिदिन 200 हिसाब से नेक्स्ट 4 दिन आम ये रखीचु प्रोग्राम एवं पर्यंत जेपी भी जवान वैक्सीन नहीं किसी साइड इफेक्ट क्या पाखे देखा जाए कि केमती प्राइमरी वे रे दिया जाए कि पूर्वर किसी खाया दि जाऊँ ना कौन तक प्रोसेस कौन रही वैक्सीनेशन ये आम एज हेल्थ केयर वर्कर आम जो हॉस्पिटल स्टाफ अच्छी आम ऑलरेडी 10 तारीख को आम वैक्सीन नहीं जाइलु कैपिटल हॉस्पिटल रे तो आम हॉस्पिटल स्टाफ को कहारी किसी साइड इफेक्ट है ये यार प्रोसेसटा यहाँ हूँ कि प्रथम आम नाटा दौ जोटा कि कोविन पोर्टाल एनरोल हुए और सहीटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को जाए से थ्रू फिर आम पाखक आसे से हिसाब से कोविड डोसेज आईरे कि साइड इफेक्ट ना आम समस्त को प्रेरित करें आसत आगे वैक्सीनटा नुत
सीआरपीएफ मानक प्रेरणा दबो एवं केते तांकु स्ट्रेंथ दबो बोली भावुचंदी कारण जेतेबेले कोरोना चलथिला एवं लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन गोटे बड़ चैलेंज थिला सेतेबेले सीआरपीएफ जवान मानक रोल गोटे बड़ अमाउंट रो रोल ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ପାରାମିଲିଟ୍ରୀ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବେଶୀ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଭିଡ୍ ବିଲକୁଲ ପିକ୍ ଫେଜ୍ରେ ଥିଲା ଆମର ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବି ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ କି ଫୋର୍ସ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସୁଥିଲେ ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ତଥା 14 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା ଯାହାକୁ ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ 350 ଉପରକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଛୁ ତ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ କାହିଁକି ଆମର ବହୁତ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଫୋର୍ସ ପର୍ସନାଲ ଏମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଅଥରିଟି ସାଙ୍ଗରେ ସିଭିଲିଆନ ପପୁଲେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ସାମ୍ନା ଏଙ୍କର ହେଉଛି ତ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ ରେଟ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସକୁ ଏଇଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ଆମେ ଏହାର ପୁରା ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ଯାହା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ ଦେଶର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଥାଏ ଏମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବରୁ 350 ଯବାନ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରାଯିବ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯବାନମାନେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଦେବ ବୋଲି ଯାହା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ